माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज डे वन। इस सीरीज के अंदर हम सब कुछ बनाने वाले हैं, जितने भी फार्म है मतलब सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे वर्ल्ड बनाते हैं। एक सेकंड भाई, वर्ल्ड का नाम क्या रखा जाए? ये वाला ठीक है, दुनिया। अभी हम हो चुके इस लोकेशन पे स्पॉन, जहाँ पे पेड़ ही पेड़ है। तो भाई सबसे पहले तो अपना पहला काम किया जाए पेड़ को काटने का, लेकिन सामने काऊ है तो पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। बात तो सही है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ खाने का कलेक्ट करते हैं। भाई इसको अपने हाथों से कितना डैमेज देना पड़ेगा भाई साहब वापस से? ओ भाई हो जा खत्म। लेकिन तो चलो अभी हम यहाँ पे खाने के साथ साथ चमड़ा भी देखने को मिल चुका है, कोई ना हम इसे रख लेते हैं। एंड अभी चलते अपना पहला काम करने, जो है भाई लकड़ी काटना, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इसे औजार बना सके। तो फटाफट से इसको इकट्ठा किया जाए थोड़ी बहुत, ताकि हम यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल एंड कुछ औजार बना सके। तो हमने यहाँ पे बनाई है सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल, इसको कन्वर्ट किया जाए वुड को। इसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। इसके बाद भाई हम यहाँ पे स्टिक बना के कुछ औजार बनाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, हमने यहाँ पे वुड की एक्स एंड पिकैक्स ही बनाई है, बाकी के आइटम तो हम स्टोन से ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमें शिप मतलब भेड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे बेड बनाना पड़ेगा। सामने का हुआ तो भाई थोड़ा बहुत खाना और कलेक्ट किया जाए। इसके अलावा हमें यहाँ पे शिप कहाँ मिलेगी, क्योंकि नाइट हो गई एंड ज़ॉम्बीज आ गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो उससे पहले ही देखना पड़ेगा कुछ, तो देखते हैं भाई आजू बाजू शायद हमें यहाँ पे शिप देखने को मिल जाए। इस साइड चल के देखते हैं शायद यहाँ देखने को मिल जाए। वैसे सर्वाइवल सीरीज अभी स्टार्ट हो चुकी है, आपको आगे भी देखने को मिलती रहेगी, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, आगे देखते हैं भाई यहाँ भी कुछ नहीं। ओ भाई साहब सामने पहाड़ है, जहाँ पे विलेज हमें इतनी दूर से ही देखने को मिल गया। एक सेकंड भाई, यहाँ पे पिग है तो हम पहले फटाफट से पिग को किल करते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें खाना और भी मिल चुका है, तो चलो अभी हम चलेंगे सीधा विलेज। लेकिन एक सेकंड भाई, सामने हमें यहाँ पे शिप भी देखने को मिल चुकी है। तो व्हाइट है एंड ब्लैक है, लेकिन हम व्हाइट वाले को खिल कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें वुल देखने को मिल चुकी है। अभी हम चले गए सीधा विलेज, क्योंकि भाई बीच रास्ते में ज़ॉम्बीज मिल गए ना तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो चलते हैं फटाफट से सीधा विलेज, काफ़ी दूर चल के चलना पड़ेगा, तो हम फटाफट से चलते हैं। एंड सामने भी भाई हमें यहाँ पे दो शिप देखने को मिल चुकी है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साले। तो इनको फटाफट से किल किया जाए ताकि हम अपना बेड बना सके। लेकिन भाई हम विलेज के पास आ चुके तो वैसे यहाँ पे काफ़ी बेड हो गए, लेकिन भाई आते आते हमें तीन शिप भी मिल गई, तो हम अपने आप को रोक नहीं सके। तो कोई ना, अभी हम चलेंगे फटाफट से पीछे, देखते एक सेकंड भाई साहब ज़ॉम्बीज अपने पीछे पड़े, तो फटाफट से चलेंगे हाउस के अंदर। अबे भाई इसका गेट कहाँ है? पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हैं भाई, सामने वाले में तो बैठ ही नहीं है, इस वाले में चलते हैं। एक सेकंड, पहले गेट को बंद किया जाए भाई, भागते भागते भूख लगी, अपना हंगर कम हो चुका है, तो यहाँ पे पहले कुछ खा लिया जाए सबसे पहले। तो एक सेकंड आजू बाजू देखते हैं, यहाँ पे कुछ है भी क्या? बेड है एंड यहाँ पे सामने चेस्ट भी है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है काफ़ी पटेटो, इसके अलावा ब्रेड एंड एप्पल वगैरह हमें मिल चुकी है। तो भाई सही है, खाने का तो आइटम हमें मिल चुका है। अभी यहाँ पे क्या किया जाए, सो लेते हैं सबसे पहले। तो अपनी फर्स्ट नाइट हो चुकी है एक विलेज के अंदर, काफ़ी ठीक है। तो देखो इस हाउस के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब विलेज नहीं है, आइटम में भी एक चेस्ट एक बेड है। ये बेड किसके काम आएगा भाई? अपने काम आएगा, तो इस बेड को हम रख लेते हैं। इसके अलावा ये चेस्ट है खाली चेस्ट, भला किसके ही काम आएगी, तो इसको भी हम ले ही लेते हैं। अभी ये हाउस खाली हो चुका है, चलते इस गेट को भी ले लेके। लेकिन भाई ये कुछ ज्यादा ही तगड़ी लूट हो जाएगी, बाहर चलते। अबे भाई साहब स्केलेटन, दिन के अंदर स्केलेटन कहां से आ गया भाई, अंदर चलो फटाफट। अबे एक को स्केलेटन, दो दो स्केलेटन बाहर खड़े हुए। सबसे पहले अंदर चलते, गेट को फटाफट से यहाँ पे बंद करते हैं। ओ भाई साहब दिन के अंदर स्केलेटन कैसे आ गया? अपनी हेल्थ बढ़ाता है सबसे पहले, तो शायद यहाँ पे, हाँ भाई ऊपर पहाड़िया है तो नीचे रोशनी नहीं है, इस कारण नीचे जो है स्केलेटन जिंदा है। अच्छा तभी तो इस हाउस के अंदर कोई विलेजर नहीं है, क्योंकि इन हड्डी मानुष लोगों ने उन्हें टपका दिया होगा। हाँ वही देखो सामने से कैसे देख रहा है भाई, अपने ही इंतजार में बैठे हैं, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अपने पास वुड है तो हम वुड की सॉर्ड बना लेते हैं, हमें उनसे फाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे इतने टाइम तक बैठ नहीं सकते। तो चलो देखते हैं चल के क्या सीन हो जाता है। कहाँ गए भाई? पीछे की साइड है कि शायद, एक सेकंड चल के देखते हैं। अभी भाई साहब दोनों के दोनों यहाँ पे फाइट करने में लगे हुए, एक को तो हमने निपटा दिया, अभी एक सामने बचा, इसको भी यहाँ पे फटाफट से किल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये काफी तगड़ा डैमेज देता है। एंड फाइनली अपने दोनों स्केलेटन यहाँ खत्म हो चुके। तो चलो अभी यहाँ पे इस विलेज को देखा जाए हमें क्या क्या देखने को मिलता है फटाफट से। वैसे यहाँ पे कोल एंड स्टोन भी है, तो हमें पत्थर के औजार भी बनाने हैं, तो इनको यहाँ पे फटाफट से इकट्ठा किया जाए, औजार बाद में बनाएंगे, पहले तो भाई इस विलेज को देखा जाए।
यहाँ पे तो कोई भी विलेजर नहीं है इस वाले हाउस के अंदर, देखते हैं क्या पता यहाँ पे कुछ देखने को मिले। फटाफट से चलते हैं एंड इस हाउस के अंदर देखते हुए क्या क्या देखने को मिलता है। भाई यहाँ पे चेस्ट भी है तो चेस्ट को ओपन किया जाए। इसके अंदर भाई हमें ब्लड देखने को मिले एंड मैप देखने को मिला है तो इन्हें रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी कोई विलेजर नहीं था, जैसे कि बताया भाई यहाँ पे स्केलेटन थे तो शायद इसलिए वो भी खत्म हो चुके होंगे। नीचे भाई यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैब है, ऊपर से चल के देखते भाई देखो कितनी बड़ी कैब है, तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन हो जाती है हम देखेंगे आगे इस कैब के अंदर जाने का भी। तो पहले तो हम यहाँ पे इस विलेज को देखते हैं। ऊपर देखो भाई यहाँ पे काफ़ी हाउस है तो ऊपर चलते हैं, सभी हाउस के अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। फटाफट से चलेंगे एंड यहाँ ऊपर चलते हैं। सेकंड ओ भाई साहब यहाँ पे खेत है, अपने लिए काफ़ी अच्छे अच्छे फार्म बनाए गए हैं तो अपने ही काम आने वाले हैं। हम यहाँ पे अभी ज़्यादा तबाही नहीं मचाने वाले, लेकिन इसको तो हम उठाने वाले हैं क्योंकि हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। तो इसे यहाँ पे फटाफट से इकट्ठा किया जाए। इसके बाद इस हाउस के अंदर चल के देखते हैं भाई क्या सीन हो जाता है। तो यहाँ पे चेस्ट, भाई इतना बड़ा हाउस है लेकिन यहाँ पे चेस्ट ही नहीं है, ऊपर सीढ़ियाँ है तो सीढ़ियों से चल के देखते हैं क्या पता ऊपर कुछ देखने को मिले, लेकिन ऊपर भी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ से सामने विलेजर है तो विलेजर से देखते हैं भाई क्या देखने को मिलेगा। मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे भाई रोटन फ्लैश के बदले एमरल्ड है तो भाई काफी अच्छी डील है, लेकिन अपने पास अभी कुछ नहीं है तो भैया जी बाद में मिलते हैं। अभी हम चले के ऊपर चल के देखते हैं क्योंकि ऊपर में भी हाउस है। यहाँ तो फार्म है, इसके ऊपर में हाउस दिखाई दे रहा है तो वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन हो जाता है, हमें क्या देखने को मिलता है। फटाफट से चलते हैं, सामने शायद आयरन गोलम है। हाँ भाई हम यहाँ पे आयरन गोलम देखने को मिल चुका है। अपने पास अभी वुड की सोर्ड है, क्या इसकी टपली बचा दे? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं 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 भाई, हमको जिंदा रहना है। तो चलो यहाँ से फटाफट से चलते हैं। इस वाले हाउस के अंदर देखते हैं, सभी हाउस को लगभग हमने देख लिया। इस वाले में देखते हैं क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ से चलेगी आगे। अभी यहाँ पे हमने अपने बेड चेस्ट वगैरह लगा दिए तो हम यहाँ से बनाते हैं पत्थर के औजार। ओके तो ये तो अपने बन के रेडी है। बस इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम यहाँ पे एक बिल्कुल रियलिस्टिक टेक्सचर पैक लगाने वाले, जो भी अपने एंड्रॉइड के अंदर, मतलब अपने पॉकेट एडिशन के अंदर जिसके अंदर अभी हम खेल रहे हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भाई अपना एक हाउस बनाएंगे, माइनिंग पे जाएंगे, काफी कुछ करने वाले हैं। तो अगले एपिसोड के अंदर मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो के अपडेट्स देखने को मिल सके।